ओम नमः शिवाय। स्त्री वशीकरण, जो भी प्रेमी प्रेमिका अपनी स्त्री को, अपनी गर्लफ्रेंड को अपने वश में करना चाहते हैं, उन सभी साधक साधुओं के लिए ये स्त्री वशीकरण बहुत ही ज़्यादा कारगर है। और जो भी स्त्रियां किसी दूसरी स्त्री को अपने वश में करना चाहती हैं किसी भी दूसरे कार्य के लिए, जिससे उस स्त्री से अपने कार्य को पूर्ण करवाना चाहती हैं, उस स्त्री को अपने वश में करने के बाद उनका वे कार्य बहुत ही आसानी से पूर्ण हो जाएगा, तो वे स्त्रियां भी इस वशीकरण को बहुत ही आसानी से कर सकती हैं। इस वशीकरण को करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस वशीकरण को किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। आपको इस वशीकरण में क्या क्या सामग्री चाहिए और आपने किस मंत्र का जाप करना है, इसकी पूरी विधि जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। थोड़ी सी भी गलती से आपका वो कार्य पूर्ण नहीं होगा, इसलिए आप पूरी विधि को जरूर देखें। जो भी साधक साध्वी हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधि मंत्र तंत्र का प्रयोग करते हैं, और उन सभी साधक साध्वियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी साधक साध्वी हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। और जो साधक साध्वी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उन सभी साधक साध्वियों को हमारे द्वारा बताई हुई किसी भी वशीकरण विधि की किसी भी मंत्र का बिल्कुल भी वीडियो प्राप्त नहीं होगी। वे यदि YouTube पर भी सर्च करेंगे उसके बाद भी हमारी विधियाँ, हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियाँ प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए पहले सभी साधक साध्वी हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप ऑल को भी जरूर सेलेक्ट करें, जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधि की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे, और उन सभी विधियों से आप अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर सकें। और जिन भी सभी साधक साध्वियों को इस वशीकरण की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो, उन सभी साधक साध्वियों को इस वशीकरण को जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। और जिन भी साधक साध्वियों को किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेनी हो, तो वे सभी साधक साध्वी हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। किसी भी स्त्री को वश में करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, आइए जानते हैं। आपको चाहिए 21 लड्डू, 21 लौंग, थोड़ा सा सिंदूर, एक लाल कपड़ा और एक छोटी सी हांडी। हांडी आप बड़ी ले, छोटी ले, जैसे भी आप ले सकते हैं। और आपको उसका ढक्कन जरूर लेना है। आपने करना क्या है, पहले आप थोड़े से सिंदूर को इस हांडी में डाल दें, और उसके बाद आपने क्या करना है, इस लाल कपड़े को आप इस तरह से पकड़ लें, और उसके बाद आपने इन लड्डुओं को, इसमें जो 21 लड्डू हैं उन 21 लड्डू को, हर लड्डू में आपने एक एक लौंग इस प्रकार से गाड़ देनी है। इस प्रकार से आप हर एक लड्डू में एक एक लौंग जरूर गाड़ दें। उसके जब आप 21 लड्डुओं में आप इस प्रकार से 21 लौंग गाड़ देंगे, उसके बाद आपने इन सभी लड्डुओं को आपने इस हांडी में, आपने इस कपड़े समेत आपने इसमें इस प्रकार से रख देना है। रखने के बाद आपने इस हांडी को आपने इस ढक्कन से आपने इस प्रकार से ढक देना है। और जो भी आपके घर के नज़दीक, आपसे घर, आपके घर से दूर जहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा सुनसान जगह हो, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, वहाँ पर जाकर आप ज़मीन में खड्डा खोद कर दबा दें। जब आप दबा दें, दबाने के बाद आपने इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। और मंत्र जाप करने के बाद आप सीधा अपने घर आए। जब आप इस वशीकरण को कर रहे हैं, कोई आपको देखे ना, टोके ना, किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। यदि इस वशीकरण को करते हुए यदि आपको कोई टोक देता है, तो आपका कार्य पूर्ण नहीं होगा। स्नान आदि करने के बाद ही आप इस वशीकरण विधि को जरूर करें। किसी भी गलत कार्य के लिए इस वशीकरण का प्रयोग ना करें। सभी साधक साध्वी इस विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।